अगर आप हैं बॉलीवुड के दीवाने तो आपने शाहरुख खान की फिल्म कभी हाँ कभी ना तो देखी ही होगी। 1994 की ये फिल्म एक सिंपल लव ट्रायंगल ही थी, पर फिर भी फैंस के दिलों पर एक छाप छोड़ गई। फिल्म में सुनील यानी कि शाहरुख खान को प्यार है एक मासूम और बेहद खूबसूरत लड़की से जिसका नाम है एना। एना का प्यारा किरदार निभाया था एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने। फिल्म को 26 साल बीत चुके हैं। जहां एक तरफ शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह बन गए, वहीं उनकी को स्टार सुचित्रा कहीं गायब सी हो गई। तो आइए जानते हैं कि कहां है सुचित्रा। कभी हाँ कभी ना के सक्सेस के बाद उन्होंने 2-4 फिल्में की और करियर की ऊंचाई पर ही 1999 में उन्होंने फिल्म मेकर शेखर कपूर से शादी कर ली। एक लंबे ब्रेक के बाद 2005 में उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया अनिल कपूर की फिल्म माय वाइफ्स मर्डर में। साल 2007 में सुचित्रा और शेखर अलग हो गए। इस शादी से उनको एक बेटी भी है जिसका नाम है कावेरी। इसके बाद सुचित्रा 2010 की फिल्म रन में नजर आई। सुचित्रा को म्यूजिक में काफी दिलचस्पी है और उन्होंने अपने पॉप एल्बम्स भी रिलीज की हैं। साथ ही वो एक अच्छी पेंटर भी हैं। उनकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन दुनिया के अलग अलग कोनों में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। राइटिंग की भी शौकीन है सुचित्रा। उन्होंने अपनी पहली नॉवेल द समर ऑफ कूल 2009 में लिखी थी। सिर्फ यही उनका टैलेंट खत्म नहीं होता, इन सबके साथ वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं। उन्होंने 2012 में एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है द कैंडललाइट कंपनी। इतना सब करने के बाद 2019 में सुचित्रा ने एक बार फिर बॉलीवुड में कमबैक किया जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर में, जिसमें उन्होंने एक न्यूज़पेपर एडिटर का रोल प्ले किया। सुचित्रा काफी एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं। भले ही बॉलीवुड में उनका सफर लंबा नहीं था, पर सुचित्रा ने अपने टैलेंट से काफी कुछ हासिल कर लिया।